आपका बच्चा तो भैया दूसरे को कहेंगे पत्थर मारो और अपने बच्चे को भेजेंगे विदेश में। तीन तीन पीढ़ियां कांग्रेस बीजेपी में कभी इधर उधर जा रहे हैं। आप सत्ता में हो, किसकी बदौलत हो? इन आंदोलनकारियों की बदौलत हो। शर्म आनी चाहिए, आप तीन तीन चार चार पीढ़ी सड़ चुकी है, आपकी शर्म नहीं आती है, क्योंकि बेशरम की औलाद बेशरम ही होती है। और ये अगर आज नहीं जागे, मैंने इनसे भी कहा था अगर आपको भैया एकलव्य बनना है, वो भी गुरु द्रोणाचार्य नहीं सत्ता ने मांगा, आपको एकलव्य मांगना है बनना है तो अंगूठा दे दो। उस दिन एकलव्य का अगर हाकिम सिंह, अरे हाकिम तो तुम्हारे डीजीपी के घर में कौन है वो, और दूसरा मर्तुलिया सुना है आपने, जिनके ऊपर इतने एलिगेशन उन्हीं को उन्हीं से आप जान बिठा रहे हैं। क्या एक बात बताओ, चोर ही सिपाही का काम करने लगेगा? सवाल इस बात का, इस प्रदेश की जनता जब तक नहीं जागेगी, रोड में नहीं आएगी, इनको हमने कहा रोड में नहीं आएगी, चाहे ये सत्ता हो वो सत्ता हो, दमनकारी होती है। जैसे एकलव्य ने अंगूठा दिया वैसे तुम भी दे दो। उस तारीख में एकलव्य अंगूठा नहीं देता तो आज जो सदियों से दशकों से आज जो सत्ता में बैठे हैं ये नीचे होते और ये एकलव्य जैसे लोगों सत्ता में जाते। पढ़ाई का अधिकार तो तभी से छीना गया, आज यही तो वो लोग हैं। क्या चाहते हैं आप इन बच्चों से? एक गरीब की बिटिया को दो चारों को रुला रहे हैं। किस बात के SDM आप, किस बात के DM है आप? जो आर्टिकल 19(1)(b) जो कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। और ड्यूटी किसकी है? स्टेट की है। आप धमका रहे हैं, आपके हाथ में गंगलोड़े हैं। आप उत्तराखंड के भविष्य को, भविष्य ये उत्तराखंड का, मैं भविष्य नहीं हो सकता हूँ, मैं कोई फॉर्म नहीं भर सकता हूँ। इनके माथे को फोड़ो, अगर हिम्मत है फोड़ तो रहिए आप रोड में। आप उत्तराखंड के, तुम्हारी पुलिस सरकार है ना, सरकार जो मैसेज देगी वही होगा। आपने गंगलोड़ों से उत्तराखंड का माथा फोड़ा, दर्शक प्लीज, थैंक यू।